हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ममता। ममता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बनाने जा रही हूँ मावा की एक टेस्टी मिठाई। हमारे यहाँ इस मिठाई को सीता बोलते हैं और ये बहुत ही टेस्टी होती है। अगर आपने कभी ये मिठाई खाई है तो मुझे बताइए कि आपके यहाँ इस मिठाई को क्या कहते हैं। ये रेसिपी बहुत ही आसानी से झटपट बनकर तैयार हो जाती है। इसे बनाना इतना आसान है कि जब भी आपका मीठा खाने का मन करे आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये टेस्टी मिठाई बनाना। सबसे पहले गैस पे मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई गर्म हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे 50 ग्राम खसखस। फ्लेम को लो मीडियम रखते हुए हम इसे हल्का रोस्ट कर लेंगे। लगभग एक मिनट तक खसखस को हमने लो मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लिया है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और खसखस को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। गैस पर मैंने वही कढ़ाई ली है। अब हम इसमें डाल देंगे 250 ग्राम मावा। मावा को मैंने हाथों से मैश किया है, आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब हम मावा को मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पका लेंगे। मावा मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आप मावा को घर पर बनाना चाहते हैं तो आप इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। लगभग एक मिनट तक पकाने के बाद हम इसमें डाल देंगे 100 ग्राम चीनी। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, चीनी पिघल गई है। ध्यान रहे, फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और इसे लगातार चलाते रहना है। इसे हमें इतना पकाना है कि मावा डो की शेप में आ जाए। ये देखिए, पेस्ट गाढ़ा हो गया है। इसे लगभग 4 से 5 मिनट लगे हैं गाढ़ा होने में। मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर पकाया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस पेस्ट को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसको 5 से 10 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये डो तैयार हो गया है। अब हम थोड़ा सा डो हथेली में लेंगे और इसे सिलेंड्रिकल शेप देंगे। हमें इसे हल्के हाथों से, ये देखिए, सिलेंड्रिकल शेप देनी है। ये देखिए, इस तरह से बनाकर हम तैयार कर लेंगे और इस पर अब हम खसखस लगाएंगे। एक्स्ट्रा खसखस को हम साइड में कर देंगे। खसखस एक ड्राई फ्रूट होता है और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए फ्रेंड्स,
मावा की टेस्टी मिठाई बनकर तैयार हो गई है। सभी मिठाई हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, सभी सीटें बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो गए हैं। मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, ये बहुत ही सॉफ्ट भी बने हैं। हमारे यहाँ लोग इस मिठाई को बहुत पसंद करते हैं। आप इसे बनाइए और मुझे बताइए कि आपको ये मिठाई कैसी लगी। आज अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना इम्पोर्टेंट फीडबैक भी ज़रूर दें, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।